Hi everyone, myself Engineer Mahiuddin Rathar from Department of Civil Engineering. Now my today's topic is surveying. What is surveying? Surveying, अगर हम देखेंगे कि survey, जब हम लफ्ज़ survey इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी चीज़ की जांच पड़ताल को कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ सर्वेइंग जो है ये अपना मकाम जो है हर ज़िंदगी में, ज़िंदगी के एक पहलू पे कहाँ पे रखती है, ठीक है ना। ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ लेने से पहले हम जब मार्केट में जाते हैं हमने थोड़ी बहुत सर्वे की होती है, तो अबाउट दैट थिंग, सपोज़ फ्रॉम गूगल, फ्रॉम एनी दिस फ्लिपकार्ट से, मतलब रेट्स क्या है, ये तो हमने जानने की कोशिश की होती है। उसके बाद हम मार्केट में जाके इस चीज़ को वहाँ पे फिज़िकली देखते हैं क्या वो फीचर्स इसमें है। तो जब हमें वो चीज़ बाती है देन वी नेगोशिएट ऑन द रेट्स, तो उसके बाद हम इसको लेते हैं। या हमें मार्केट से कोई कपड़ा लाना हो या कोई भी चीज़ लानी हो, तो बिफ़ोर दैट हम सर्वे करते हैं। या कहीं पे कोई शादी का मसला हो तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, उनका कॉस्ट क्या है, तो कैसे होता। सो लाइक दैट वी यूज़ टू गो फॉर द सर्वे, हम सर्वे के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का जो ये है क्या है कि हमने देखा कि सबसे पहले हमें सर्वे करनी होती है, तो सिविल इंजीनियरिंग में इस सर्वे का क्या अहम रोल है। नाउ इफ आई टॉक ऑफ सर्वे, तो सर्वे यहाँ पे सपोज मैं एक आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि भाई मेरे को अपने लिए घर बनाना है। घर बनाने के लिए मेरे को एक ज़मीन के प्लॉट की ज़रूरत है। तो मेरे फ्रेंड आते हैं, वो बोलते हैं सर फलानी जगह ऐसे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्लॉट है। तो मैं जाके उसको देखता हूँ, तो प्लॉट का साइज़ मैं देखता हूँ कि बराबर एक वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो ये मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं देखता हूँ कि नाउ क्या वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ है जो मेरे को चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पानी है वहाँ पर, क्या आपका ट्रांसपोर्ट वहाँ पर जा रहा है, क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये चीज़ें सारी होके मैं इस प्लॉट को ख़रीद लेता हूँ। अब मेरा मकसद है कि आपको भाई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मैं तो खुद नहीं बना सकता हूँ, तो मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करता हूँ, जिसको मैं ये इसके साइज़ दे के मैं उसको बोलता हूँ भाई आर्किटेक्ट साहब मेरे को आप इसके प्लान्स दीजिए और इसकी एक ड्राइंग बना के दीजिए। तो एज़ पर माई रिक्वायरमेंट मैं उनको बोलता हूँ भाई इतने बाथरूम्स होने चाहिए, भाई इतने कमरे होने चाहिए, तो वो मेरे को वैसे ही वो उसका एक प्लान देता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा मकसद था क्या, एक घर बनाना, एक घर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, एक नक्शा चाहिए था जो मेरे को एक आर्किटेक्ट ने दिया। यही यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक हमारा ये है कि हमें हर एक चीज़ का नक्शा हासिल, प्लान या उसके मैप्स को हासिल करना होता है ताकि हम आगे और बढ़ जाए, ठीक है। जब हमने ये नक्शा हासिल किया यहाँ पर, तो जब हमने नक्शे को हासिल किया तो अभी इसके बाद किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों को हासिल करना है, यानी जो आपका सर्वे बनता है ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है। इसके बाद जब नक्शा आपको मिला, तो नक्शे के बाद जब हम देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो चीज़ें हम देखते हैं, तो उसके बाद मेरा मटीरियल, इसमें जो मटीरियल है मेरा बिल्डिंग मटीरियल, इसमें जो मेरा बिल्डिंग मटेरियल यानी मेरा एक सब्जेक्ट इसमें आता है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। तो इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये जो मटेरियल है ये किस टाइप का लेना है। तो ये मेरा एक सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को करना क्या है, दैट इज एक्सक्यूवेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो जब हम एक्सक्यूवेशन की बात करते हैं, एक्सक्यूवेशन, ठीक है, तो ये मेरा दूसरा मरहला यहाँ पे आता है। तो उसके बाद जब मेरा बिल्डिंग मटेरियल भी आया, नाउ कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, उसके बाद मेरा आता है तीसरा एक और सब्जेक्ट दैट इज थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी ये एक और सब्जेक्ट मेरा बन जाता है। जब मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो खाली मैं फिर एक इंजीनियर से पूछता हूँ भाई मेरे को कितना पैसा इसमें लगेगा, ठीक है, मेरे को क्या लगाना। तो मेरा एक फाइनल सब्जेक्ट जो आता है दैट इज एस्टिमेशन।
नाउ अमंग ऑल दो सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर मैं देख लूंगा सर्वे अपना मुकाम पहला ही लेता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्वे, ये जो सर्वे है इसकी वजह से हमारे पास सारी अगली क्रिएशंस आती है। नाउ सी अब ये जो सर्वे है हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि सर्वे क्या होती है। नाउ आई विल कम टू माय सब्जेक्ट दैट इज सर्विंग। सर्वे क्या होती है? सर्वे जो है ये वो एक हुनर है, सर्वे एक हुनर है, इसको आप इंग्लिश में आर्ट कहोगे, यहां पे मैं हुनर से इस रिलेट करूंगा। सर्वे एक ऐसा हुनर है जिसमें हम किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट को निकालते हैं, चाहे वो पॉइंट रिलेटिव पोजीशन को निकालते हैं, चाहे वो पॉइंट जमीन के नीचे हो या जमीन से ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये इसका मेन मकसद है, किसी पॉइंट की लोकेशन को निकालना यानी उसकी रिलेटिव पोजीशन को निकालना, चाहे वो पॉइंट जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर हो। नाउ अभी मैंने कहा कि ये जो है सर्वे क्या होती है, किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट को निकालना, मगर इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है इसका, ये क्यों हम निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बोली कि मैंने ज़मीन खरीदी, फिर मेरा मकसद क्या था, मकान बनाने का, उसमें मेरा मकसद खाली था एक नक्शे को हासिल करना। सो वही यहाँ पे है, पर्पस ऑफ सर्विंग को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पर्पस ऑफ सर्वे है कि जो भी भाई आपका प्रोजेक्ट है, वेदर इट्स अ रेलवे प्रोजेक्ट, इट्स अ यू हैव टू मेक अ बिल्डिंग, आपको कोई सड़क बनानी हो, आपको कोई मकान बनाना हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपका जो जिंदगी में बनाना है इन दिस सिविल लाइन, सबसे पहले आपको उसका नक्शा होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे पर्पस बनता है कि हमें एक नक्शे या प्लान को हासिल करना है, दैट इज माई दिस पर्पस ऑफ सर्विंग। नाउ अभी इस सर्वे में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास इसमें अभी ये ऐसे ही नहीं है, इसमें आपके लिए मेजरमेंट्स की बात आती है, यू हैव टू सी द मेजरमेंट्स, कि जब भाई हमें कोई ज़मीन मेजर करनी है या कुछ भी मेजर करना है तो हमें कौन से यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। नाउ हमारे पास यूनिट्स जो है इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स जो हमारे पास होते हैं तो वो क्या है, सबसे पहले यूनिट जो है हम देखेंगे लीनियर मेजरमेंट्स। सो ये हमारे पास, एक तो हमारे पास प्लेन मेजरमेंट्स है, ठीक है, दूसरे हमारे पास है एंगुलर मेजरमेंट्स। जो ये प्लेन मेजरमेंट्स है, प्लेन मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम सीधे ही टेप और चेन को, टेप जो हमारे पास होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू टेक आउट आवर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स में इसमें हम माइनर इंस्ट्रूमेंट्स यानी टेप को इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास चेनें होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स मतलब टेप्स की हमारे पास भंडार के टाइप्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं ये मेजरमेंट्स लेने के लिए। मगर जहाँ पे हमें एंगुलर मेजरमेंट्स की बात आती है तो वहाँ पे हमें कोई सोफिस्टिकेटेड या कोई प्रिसाइज जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम उन मेजरमेंट्स को निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इसके यूनिट्स कितने हैं, इफ आई टॉक ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स हमारे पास कितने यूनिट्स है इस मेजरमेंट के, इस मेजरमेंट के हमारे पास कितने यूनिट्स है। सो यहां पे मैं वो आपको दिखाऊंगा, हमारे पास चार टाइप के यूनिट्स है, वन एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेकेंड हॉरिजॉन्टल एंगल, थर्ड वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्थ वर्टिकल एंगल। नाउ
ये यहाँ पे हमारे पास चार यूनिट्स है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मेजर में से, चाहे आपको जमीन में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल आपको मेजरमेंट करनी है, दैट कम्स अमर, वो तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस में आती है, या अगर आपको जमीन से थोड़ा ऊंचा हवा में चलना है तो वो आपको वर्टिकल में जाता है, तो ये हमारे पास है। चाहे आपको यहाँ पे हम एंगल टाइप या डिस्टेंस टाइप की लेते हैं तो हमारे यहाँ पे चार यूनिट्स ये बन जाते हैं। नाउ सबसे पहले मैं यहां पे हमने एक एंगल को यहां पे देखा, ए एंगल, मैंने देखा कि एंगल क्या, ये मेरे पास एक वर्ड है, जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ या किसी बंदे से पूछता हूँ, भाई मेरे को आप बोल सकते हो कि ये एंगल क्या है, तो वो सीधे बोलते हैं कि ये जो है एंगल जो है इट्स अ व्हेन द टू लाइंस, वो कहते हैं व्हेन द टू लाइंस मीट्स एट अ सेम पॉइंट, जब दो लाइनें हमें एक पॉइंट में मिलती है उसको हम एंगल कहते हैं। बट इसको मैं थोड़ा सा, अगर हम किसी भी मैथमेटिशियन से पूछते हैं कि मेरे को बोलिए कि भाई एंगल क्या है, ठीक है, तो वो मेरे को ये डेफिनेशन देता है कि द टू लाइंस व्हेन द टू लाइंस मीट्स एट अ सेम पॉइंट, जब दो लाइनें एक पॉइंट में मिलती है उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि चलिए भाई उसको हम एंगल बोलते हैं, मगर मेरे को बोलिए कि अगर ये एंगल बोलते तो ये कितना है, ये जो ये लाइनें दो आपस में बनाती है तो इसका वैल्यू क्या है, ठीक है ना। नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली एंगल क्या है। एंगल वही है जो आप लोग भी समझ पा रहे हो कि जहां पे दो लाइनें मिलती है वही एंगल है, मगर लिटिल बिट मॉडिफिकेशन में यहां पे आपको देता हूं कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि द बियरिंग बिटवीन डिफरेंस यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंस इन डायरेक्शन बिटवीन द टू लाइंस मीटिंग एट ए सेम पॉइंट। मैंने यहां पे कुछ नहीं चेंज किया, आई कीप एट इट वॉज, कि मैंने वैसे ही रखा कि जहां पे दो लाइनें मीट कर रही है, बट मैंने थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया डिफरेंस इन डायरेक्शन बिटवीन द टू लाइंस, कि ये सब्ट्रैक्ट है दो लाइंस की डायरेक्शन के बीच का, दो लाइंस की डायरेक्शन के बीच का जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो वहां से वैल्यू निकलता है दैट वी से द एंगल। सपोज डायरेक्शन हम हमेशा नॉर्थ से ही लेते हैं, अगर इस लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से 30 डिग्री है और इस लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से 60 डिग्री है, सो व्हाट इज दिस, व्हाट विल बी दिस, ये किसके बराबर होगा, ये ओ किसके बराबर होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं 60 माइनस 30, यानी डिफरेंस इन डायरेक्शन बिटवीन द टू लाइंस मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, मीटिंग एट अ सेम पॉइंट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ दिस 60, ठीक। सो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आई विल डिस्कस हियर दैट व्हाट इज रेडियन। नाउ सेकेंड थिंग रेडियन, सो यहां पर रेडियन की बात करेंगे कि भाई मैं पूछता हूं कि रेडियन किसको कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन नो बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट इन अ प्रॉपर वे, सो यहां पर मैं आपको रेडियन की बात बोलूंगा कि रेडियन किसको कहते हैं। मैं बोलता हूं रेडियन किसको बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं भाई इट्स एन यूनिट ऑफ एन दिस एंगल, तो एक्चुअली मेरे को चाहिए जो इसकी बुनियादी डेफिनेशन, सपोज मैं हूं, मेरी बुनियादी डेफिनेशन क्या है, मैं कहां से पैदा हुआ, गॉड ने मेरे को क्रिएट किया मगर जरिया मेरे बाप को बनाया है, सो दैट इज माई बेसिक, माई नेम इज महीदीन बट आई एम द सन ऑफ मिस्टर गुलाम नबी राहतर, ठीक है। सो लाइक दैट यहां पे मैं देखता हूं हां रेडियन इज द यूनिट ऑफ एन एंगल, बट व्हाट इज इट्स डेफिनेशन एक्चुअली, ये रेडियन एक्चुअली है क्या, इसको आप कैसे अलहदा डिफाइन करोगे, तो यहां पे मैं देख लो मैं एक सर्कल को लेता हूं,
ठीक है, सर्कल का आपका एक सेंटर होता है, तो सेंटर से आपकी जो दो छोटी छोटी लाइनें निकलती है, छोटी छोटी लाइनें जो निकलती है टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस की ओर निकलती है, इनको हम रेडियस ही कहते हैं। तो इनको हम रेडियस कहते हैं। कहते हैं कि जब दो रेडियस सर्कल के सेंटर से निकलेगी इन टू डायरेक्शंस एंड और वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दो जगह पे काटती है, जो कटा हुआ पोर्शन है दैट इज दिस पोर्शन, ये कर्व्ड पोर्शन, अगर ये बराबर होता है इस रेडियस के देन वी से दिस इज अ रेडियन, हम इसको बोलते हैं कि ये एक रेडियन कहलाता है। ठीक, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे की क्या क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। नाउ यहां पे देखेंगे हम किस सर्वे के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, तो वी विल ट्राई टू सी वन इज जियोडेटिक सर्वे, सेकेंड प्लेन सर्वे, ये जियोडेटिक सर्वे क्या है? देखिए, जमीन जो है ये हमारे पास कुदरत ने दी है, ये कहीं उबड़ खाबड़ में है, उबड़ खाबड़ मीन्स अनइवन है, कभी ऊंची कभी नीची, कहीं पे आप नहीं देखोगे, वी कांट से दैट दिस इज अ प्लेन। हाँ, नजरों में हम जब देखते हैं तो हमें प्लेन दिखाई देता है, मगर एक्चुअली जमीन प्लेन नहीं है। तो यहां पे क्या कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, वो सर्वे, पहले मैं प्लेन सर्वे को यहां पे आपको बोलूंगा कि प्लेन सर्वे वो एक सर्वे है जिसमें हम जो भी जमीन पे है, जो भी जमीन, उसको हम प्लेन कंसिडर करते हैं, जो भी इसकी बाउंड्रीज है जहां से आप मेजरमेंट्स लेते हो उन बाउंड्रीज को, या जो उसमें अनइवननेस है उसको हम प्लेन कंसिडर करते हैं। नाउ जियोडेटिक सर्वे वो एक सर्वे है, अगर इसमें कोई स्फेरिकल्स, मतलब जो भी इसमें सर्कुलर बाउंड्रीज है, मतलब जो अनइवन है, वो हम माइन्यूटली देखते हैं, माइन्यूटली उसको हम करते हैं, प्रिसाइसली उसको हम करते हैं। इसके लिए जो प्लेन सर्वे में, जो हमारे पास प्लेन सर्वे है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, सपोज टेप को यूज करते हैं, चेन को यूज करते हैं, टू सो दैट क्या हमें अपनी मेजरमेंट्स मिल जाती है। मगर जियोडेटिक सर्वे में जब हम जाना है तो इसको बारीकीपन से हम करते हैं, और इसमें जो भी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास कंपासेस है, हमारे पास थियोडोलाइट्स है, हमारे पास आज के डेट में अगर हम देखेंगे टोटल स्टेशंस है, सो विद द हेल्प ऑफ दोज टोटल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज टू कंप्लीट दैट सर्वे। हाँ, नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास एक चेन सर्वे, चेन सर्वे, सेकेंड थियोडोलाइट सर्वे, थर्ड प्लेन टेबल सर्वे, फोर्थ कंपास। सो आई विल राइट सम ऑफ फ्यू ऑफ देम हियर। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, कि इंस्ट्रूमेंट्स पे जब हम किन किन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमने उन्हीं, मतलब सर्वे का उन्हीं इंस्ट्रूमेंट पे नाम दिया हुआ, सपोज मेरे पास चेन सर्वे, यहाँ पे हम चेन को यूज करते हैं, थियोडोलाइट सर्वे, यहाँ पे हम थियोडोलाइट को यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में हम प्लेन टेबल को यूज करते हैं, कंपास में कंपास, ऐसे हमारे पास है एरियल सर्वे, वहां पे हम फोटोग्राफ्स को यूज करते हैं, फोटोग्राफ्स को यूज करते हैं। नाउ ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाँ ये जो है मैंने बोला कि जो इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे हम नाम रखते हैं, सो चेन सर्वे, थियोडोलाइट, यहाँ पे चेन को यूज करते हैं, यहाँ पे थियोडोलाइट को यूज करें, प्लेन टेबल को यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी सर्वे है जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के बलबूते पे ही हमने इस सर्वे का नाम रखा है। नाउ आई थिंक कि यहाँ पे अभी आज हम यहाँ पे रुकेंगे, तो ये जो ये लेक्चर है इसको मैं कंटिन्यू
आपको मतलब आपके लिए अगले दूसरे सेशंस जब हमारे पास अवेलेबल होंगे तो उसमें हम आपको इसको कंटिन्यू करेंगे।